एक आप सब लोगों से ये सवाल है कि कोई इंसान कहाँ पैदा होता है क्या उसके ऊपर मैं कहाँ पैदा हुआ क्या मेरा उसके ऊपर कोई इख्तियार है आप किस किसके पास पैदा हुए क्या आपका कोई इसके ऊपर इख्तियार था आप किस माँ बाप के पास पैदा हुए किस किस मजहब में पैदा हुए किस नस्ल में पैदा हुआ किस रंग में कौन सी जुबान आप बोलते थे आप अगर आपसे पूछा जाता तो आप इंडिया में पैदा होना चाहते पाकिस्तान में पैदा होना चाहते या अमेरिका में रशिया में पैदा होना चाहते अगर आपसे पूछा जाता तो जाहिर बात है कि आप कोई ना कोई अपनी अपनी चॉइस तो बताते ना हो सकता है कि हम जो पाकिस्तान या इंडिया में बहुत बुरी सिचुएशन गुजारते हैं खैर इतनी बुरी भी नहीं मगर एज़ कम्पेयर टू दुनिया के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके तो आप क्या चॉइस लेते क्या ऐसा हो सकता था कि आप कहते कि नहीं जी मैं तो जो है मैं यू में पैदा होना चाहूँगा या मैं किसी और कंट्री में यूरोपियन किसी कंट्री में पैदा होगा या कोई शायद ये सोचता कि मैं सऊदी अरब में पैदा होना चाहूँगा मक्का मदीना में ताकि मुझे ज़्यादा हज ज़्यादा उम्र करने का मौका मिले मगर ये आपकी चॉइस नहीं है तो अब अगर आप किसी खुदा में मानते हैं तो फिर ये सोचिए अगर वही अगर आप ये समझते हैं कि आपका खुदा सच्चा है नहीं मैं क्रिश्चियन घर पैदा हुआ तो मैं ये समझता कि जीसस क्राइस्ट जो है वो खुदा का बेटा और जीसस क्राइस्ट का बताया हुआ खुदा ट्रिनिटेरियन खुदा जो है वही सच्चा है और मुसलमान जितने भी हैं वो एक झूठे नबी के पैरोकार हैं और वो झूठे नबी को मानते हैं तो मेरा ये मानना कितना दुरुस्त है या कितना गलत है अगर मनत मनतक की कसौटी पे इसको परखा जाए और इसको देखने की कोशिश की जाए तो हमें ये बात समझ आती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक मुसलमान एक मुसलमान के घर पैदा होता है और वो कलमा उसके कान में जान दी जाती है बचपन में या आठ दिन के दस दिन के या चंद माह की उम्र में उसका ख़तना कर दिया जाता है और वह सारी ज़िंदगी नमाजें और आ, नमाजें पढ़ते गुजार देता है और और दूसरी तरफ एक शख्स है वो किसी यहूदी के घर पैदा होता है आपको पता है कि यहूदियों को तो मुसलमान समझते हैं कि वो पक्के जहनी भी या फिर वो किसी 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 पेगन के घर या किसी मुशरक़ के घर या किसी हिंदू के घर पैदा होता है तो ये समझते हैं कि वो तो पक्के जहनी है तो मुझे बताएं अगर इनका खुदा सच्चा है तो क्या उन सब लोगों के साथ ज्यादती नहीं है जो कि हिंदू के घर पैदा हुए या फिर या फिर किसी चाइना में किसी ऐसी जगह पर पैदा हुआ है जहाँ कभी इस्लाम का नाम नहीं लिया गया जापान में पैदा हुए कन्फिक्शनज़म को मानते हैं तो क्या उन लोगों से ज्यादी नहीं है जो कि एक मुसलमान के घर पैदा नहीं हुए अगर फ़र्ज करें दूसरी तरफ तो अगर मुसलमानों का खुदा झूठा है और हिंदुओं का हिंदुओं का खुदा, खुदा सच्चा है तो हिंदुओं के खुदा ने फिर जिन जिन को मुसलमान पैदा किया उनको तो उसने जानबूझ के जो है एक अजाब में डाल दिया क्योंकि वो कभी भी उसके सच्चे मज़हब के पैरोकार नहीं बन सकेंगे इसी तरह जो जीजस को मानता है जो जीजस को मानता है जो समझता है कि जीजस का खून उसको जो है उसके गुनाहों को धोता है और उसको आखिरत में जीजस जो है वो उसके सामने उसको इंसाफ अपना करवाना है तो क्या उस शख्स के लिए आप क्या समझते हैं क्या क्या वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में नहीं है और दूसरा बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है फिर एक और बात है कि आप सबके साथ भी ज्यादती है जो आज मुसलमान पैदा हुए क्या फिर तो हर इंसान को मोहम्मद के दौर में पैदा होना चाहिए था कि मोहम्मद उसे खुद तबलीग करता और वो मोहम्मद की तबलीग सुन के मुसलमान होते तो अब सोचने की बात यह है, है कि आप सब के सब जिनको भी तबलीग या जिनको खुदा का पैगाम उस तरह से नहीं मिला जिनके माँ बाप ने उनको खुदा का पैगाम नहीं सिखाया वो लोग तो फिर जहन्नम में जाएंगे वो तो अजाब में पड़ेंगे वो हो सकता है उनको मोक्षा कभी भी नहीं मिलेगी तो उन लोगों के बारे में आपके क्या ख्याल है कि उनके साथ क्या हो रहा है तो ऐसी सूरत में अब एक बात सोचने वाली है कि क्या एक खुदा जिसने ये कायनात बनाई जिसने पूरा कास्मोस बनाया यूनिवर्स बनाया सब कुछ उसने बनाया तो उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं था ऐसा कि सब इंसानों को बराबर कर देता सब इंसानों के पास उसका पैगाम पहुंच जाता हर एक को पता होता कि खुदा क्या चाहता है और फिर क्या होता कि क़्यामत के दिन जब वो उनका इंसाफ करता या जो भी तरीका तरीकाकार उसके उसके मुताबिक सब कुछ ठीक हो जाता तो मसला मतलब मसला, मसला ये है सोचने की बात यह है कि अगर आपका खुदा सच्चा है फर्ज करें आप जिस भी मज़हब मतलब से ताल्लुक रखते हैं आपका खुदा सच्चा है तो आपका खुदा कितना गलत है कि वो आपके साथ आपको तो एक फ़ायदा दे रहा है आपको तो एक एक अनसेसरी या फिर एक अनजस्ट एडवांटेज दे रहा है मगर वो बाकी सब लोग जो कि उसको मानने वाले नहीं हैं उनको एक एक इंतहाई ग्रेव इनजस्टिस करती हुई डिसएडवांटेज दे रहा है जिसकी वजह से वो जहन्नम में जा सकते हैं जिसकी वजह से अगर ज़िंदगी एक बार मिली है तो क्या होगा अगर ज़िंदगी एक बार मिली है तो क्या होगा कि वो पक्के जहन्नम में जाएंगे और जिंदगी और आखिरत का जो फैसला जो आखिरत की जिंदगी ज्यादा बड़ी है खुदा ने उसके लिए कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया मगर मसला यह है कि ये सब झूठ है ये सिर्फ इस इस बात को याद रखें ये सब इसकी निशानी है कि सब झूठ है अगर खुदा का कलाम अरबी में उतरता है या संस्कृत में खुदा की बातें लिखी जाती हैं या या ग्रीक में खुदा की बातें लिखी जाती हैं तो जिस जिसमें जिसके को ग्रीक नहीं आती खुदा ने उसके साथ भी इनजस्टिस किया जिसको अरबी नहीं आती उसके साथ भी इनजस्टिस किया जिसे संस्कृत नहीं आती उसके साथ भी इनजस्टिस किया उन लोगों के साथ भी इनजस्टिस है जो कि मोहम्मद के दौर में खुद पैदा नहीं हुए जिन्होंने मोहम्मद को आंखों से नहीं देखा और आज उन्हें उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि मोहम्मद पर ही मान लाएं तो सोचने की बात है कि फिर ये क्या है इसका मतलब है कि ये सब मज़हब झूठे हैं अगर वाकई कहीं को क्रिएटर है जिसने ये कायनत बनाई है जिसने सब कुछ बनाया है वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो ये समझे कि वो किसी एक एक इंसान को अरबी अरबी पैदा करके उसे आखरत की जिंदगी में एक अनजस्ट एडवांटेज दे दे या किसी को एक खास नस्ल में ब्राह्मण पैदा करके उसे एक अनजस्ट एडवांटेज दे दे जिसकी वजह से वो भगवान तक या देवताओं तक उसका बड़ा प्राइमरी एक्सेस हो वो बड़ा प्राइमरी मेंबर हो उनका मगर दूसरी तरफ दूसरे लोग जिनको पता ही नहीं है कि खुदा कौन है तो अब आप खुद सोचिए कि अगर ये सारे मज़ब सच्चे हैं तो फिर ये बात झूठ है कि इनके मजहबों वाले खुदाओं ने ये कायनात बनाई है। और अगर वाकई कोई खुदा है जिसने ये कायनात बनाई है तो ये सारे मज़हब जितने भी हैं ना दे आर एन इंसल्ट टू दैट रियल गॉड क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो इतना एक एक इतना जाहिलों वाला मंसूबा तैयार करे इंसान की फलाह बहबूद के लिए इंसान की सालवेशन के लिए इतना स्टुपिड किस्म का निज़ाम लेके आए जिसमें एक मज़हब उसका जो सबसे चहीता मज़हब है वो चौदह सौ साल पहले आया उससे पिछले जितने भी थे उनको उस तरह का एक्सेस खुदा की इन्फॉर्मेशन तक हासिल नहीं था जैसा कि चौदह सौ साल से बाद आने वाले लोगों को है तो सोचे सोचने वाली बात है कि अगर तो खुदा अगर आप ये बात मानते हैं कि खुदा इंसाफ पसंद है ही इज़ अ जस्ट गॉड इफ इफ यू बिलीव इन हिम और नॉट अगर आप उसमें बिलीव करते हैं लेट से आप किसी रिलीजन को नहीं मानते और किसी खुदा को मानते हैं और आप ये समझते हैं कि खुदा एक जस्ट खुदा है वो जस्टिस करेगा लोगों के साथ किसी को अननेसेसरी एडवांटेज नहीं देगा किसी को इनजस्ट डिसएडवांटेज नहीं देगा और ये मानते हैं कि वो, वो जो है इंसाफ में मानने वाला है और वो एक सच्चा खुदा है तो फिर ये सारे मज़हब झूठे हैं और अगर ये सारे झूठे हैं अगर ये सारे मज़हब झूठे हैं तो फिर आपको इनकी पैरवी करने की क्या ज़रूरत है ठीक है आप इंसानियत पे अमल करें खुदा अगर वाकई कहीं है तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप किसी इंसान को उसकी पैदाइशी मज़हब की वजह से डिसएडवांटेज या एडवांटेज दें वो इवन के ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई हिंदू किसी मुसलमान को मारे कोई मुसलमान किसी हिंदू को मारे हो सकता है असल टेस्ट ही ये है अगर आप समझते भी हैं कि खुदा वाकई आपका इम्तिहान ले रहा तो शायद असल टेस्ट यही है मजहबों ने जितनी खून खराबा नफरत फैलाई हुई है दुनिया में चाहे वो मजहबी नफरत है चाहे नस्ली नफरत है चाहे कुछ भी है खुदा का अक्सद असल मकसद इंसान का ये टेस्ट लेना हो कि मैं अगर इन इसको झूठों के दरमियान पैदा भी कर दूँ तो ये सच्चाई को कैसे अपनाएगा वो ये देखना चाहता हो कि आपका इंटरनल मॉरल कंपस कितना एक्टिव है आपके दिल में रहम है कि नहीं आप दो लोगों में इंसाफ कर सकते हैं नहीं आप सच बोलना चाहते हैं आप झूठ से बचना चाहते हैं नहीं आप जुलम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहते हैं यानी आप सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं यानी शायद वो यही देख रहा हो शायद वो यही देख रहा हो और मुझे ऐसे किसी खुदा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर मुझे हर वैसे खुदा से प्रॉब्लम है जो किसी के खून से ला ला इला लिखना चाहता है या किसी के खून से क्रॉस बनाना चाहता है या किसी के खून से कोई और मजहबी सिंबल बनाना चाहता है जिसको जानवरों की इंसानों की क़ुर्बानी की ज़रूरत है जो कि खून का प्यासा है उस खुदा को मानना जो है मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा गुनाह है वो खुदा नहीं है वो शैतान है और अगर शैतान भी वाकई मौजूद है तो यकीन करें अगर शैतान वाकई कहीं मौजूद है चलें खुदा के वजूद की तो दलील मैं जारी बात है दूसरों से मानता हूं कि खुदा है और शैतान के भी मैं मानूंगा मगर मैं समझता हूं कि शैतान के होने की दलील ये सारे मजहब ज़रूर है क्योंकि इतनी इतनी शैतानी नरगसीत इतना शैतानी नार्सिसिज्म इतना शैतानी किस्म का प्राइड जो है मज़बू के अलावा किसी और आइडियोलॉजी ने इंसान को नहीं दिया नसल प्रस्ती की आइडियोलॉजी लसानियत की यानी ज़ुबान के ऊपर फख्र करने की आइडियोलॉजी भी बड़ी ख़तरनाक है मगर जितनी जितना शोर शॉट इंसान को मज़बी आइडियोलॉजी करती है उतनी कोई दुनिया की और आइडियोलॉजी नहीं करती क्योंकि मज़हब इंसान को हंड्रेड परसेंट इस बात पर कन्विंस कर देता है कि दूसरे शख्स को मार देना कतल कर देना खुदा की मर्जी है वो खुदा जिसने पूरी कायनात बनाई है जिसके सामने आप काकरोचज़ और बैक्टीरिया और वायरसेस के भी आप बराबर नहीं हैं आप ये समझते हैं कि उसको आपकी जाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और छोटे छोटे बेनाइन काम जो कि शायद इस तरह के काम हैं जिनसे दो शख्सों के अलावा किसी तीसरे शख्स की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खुदा उनमें भी बहुत इंटरेस्टेड है तो ऐसे खुदा के ऊपर तुफ है और मैं तो ये कहता हूँ कि वो खुदा जिसने इंसानों को जान बूझ के ऐसी सूरत में पैदा किया है या जान बूझ के नहीं भी किया तो गलत फहमी से धोखे से ही कर दिया पैदा वो उसी औरत जैसा है जिसने एक बच्चा ऐसा पैदा किया जिसको लोग हरामी की गाली देते हैं या उस मर्द जैसा है जिसने एक हराम की औलाद पैदा की तो वो खुदा भी जनाकार है और अगर आप समझते हैं कि जना की सजा संसार है तो सारे पत्थर सबसे पहले उस खुदा को मारो उस खुदा को संसार करो अगर काबा उसका घर है तो काबे शैतान को पत्थर मारने छोड़ के काबे को मारो अगर मंदिर उसका घर है तो मंदिर के शीशे तोड़ो मंदिर की मूर्तियां तोड़ो अगर अगर चर्च उसका घर है तो चर्च के शीशे तोड़ो क्योंकि अगर अगर वो वाकई अपने आप को जस्ट कहता है अगर वो कहता है वो इंसाफ पसंद है और हर इंसान को वो बराबर इंसाफ देगा फिर याद रखिए कि वो बहुत बड़ा झूठा है ठीक है तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहूंगा अपने अंदर छुपे हुए नर्गसीत के खुदा को मसलूब करें उसे सूली पे चढ़ाएं प्राइड के जो जो एक एक प्राउड किस्म का खुदा आपके अंदर एग्जिस्ट करता है जो आपको ये यकीन दिलाता है कि दूसरे मजहब का इंसान जो है वो जहनमी है उसको कत्ल करना ना करना एक बराबर है अगर उसे कत्ल कर दें तो अच्छी बात है तो इस खुदा को संसार करें इसका सर उतारने की जरूरत है इंसान का किसी का सर उतारने की जरूरत नहीं है और निश्चय ने कहा था कि हमने खुदा को मार दिया मगर मसला यह है कि वो उसने गलत कहा था खुदा को मारने की जरूरत नहीं थी उस शैतान को मारने की जरूरत थी जिसने ये सारे मजहब दिए जिस दिन वो शैतान मरेगा जिसने ये सारे मज़हब आपको दिए हैं यानी ये मज़हब खत्म होंगे तो वो शैतान मरेगा उस दिन दुनिया में इंसाफ कायम होगा मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्री पर मेरे चैनल के मैंबर बने इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके